आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरु जी की करंट अफेयर्स की एंड जीके क्लास में स्वागत है। आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स जो भी एग्जाम्स है, चाहे आपका वन वर्सक हो, वन पाल हो, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल या चाहे एसआई का इंटरव्यू, सभी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो आप सभी स्टूडेंट लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 10 साल में अप्रत्याशित डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है, मतलब जनसंख्या की बदलाव कहां पर हुआ है अप्रत्याशित? तो इसका उत्तर होगा नेपाल बांग्लादेश बॉर्डरी इलाकों पर यह बदलाव देखा गया है, जहां पर कि मुस्लिम आबादी 32% तक बढ़ी है। और इस चीज को देखते हुए बीएसएफ का दायरा 100 किलोमीटर करने की सिफारिश की गई है। सेकंड क्वेश्चन, सीएए लागू क्यों नहीं किया गया है अभी तक, मतलब सीएए अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर होगा दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित एक्ट के नियम तय नहीं होने के कारण अभी तक सीएए लागू नहीं किया जा सका है। अभी अमित शाह जो गृहमंत्री है उन्होंने बताया है कि जैसे ही जो ये बूस्टर डोज है कोरोना की, ये जब कंप्लीट हो जाएगी, जब इसका ले लग जाएगी सभी को, उसके बाद में सीएए को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 साल बाद ताइवान पहुंचने वाली अमेरिकी स्पीकर का क्या नाम है? तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी। दोबारा सुनिएगा, अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी है, जो कि 2 अगस्त को ताइवान के ताइपा शहर में पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने सिर्फ 450 करोड़ रुपए की लागत से मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया था, और साथ ही इसका जो खर्चा आया था वो प्रति किलोमीटर 11.5 रुपए खर्चा आया था, महज प्रति किलोमीटर 11.5 रुपए का खर्चा आया था, जबकि इसरो का जो सालाना बजट है वो नासा से 13 गुना कम है। मतलब बहुत ही ज्यादा कम कॉस्ट के अंदर ये 450 करोड़ रुपए के अंदर ही मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित कर दिया था, किसने? इसरो ने। फिफ्थ क्वेश्चन, अदानी ग्रुप ने अगले 7 साल के दौरान राजस्थान के पावर, एविएशन, खाद्य तेल और एलपीजी पाइपलाइन के क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट करने का लक्ष्य बनाया है? तो इसका उत्तर होगा करीब 2 लाख करोड़ रुपए की निवेश की योजना बनाई है। कौन कौन से क्षेत्र में? तो इसका उत्तर होगा पावर, एविएशन, खाद्य तेल और एलपीजी पाइपलाइन के क्षेत्र में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सरकार ने इंदिरा गांधी नहर बनाई जिसकी लंबाई कितनी है? सरकार ने जो प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर जो बनाई है उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 649 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में प्रदेश का कुल मरुस्थलीय एरिया कितना था? इसका उत्तर होगा 62.06%, जो कि 2011 और 13 में 62.90% था। तो देखा जाए तो कुल मिला के 7 साल के अंदर 0.84% मरुस्थल कम हुआ है, जो कि 10 साल में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 10.88 लाख हेक्टेयर मरुस्थल कम हुआ है। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, यानी राजस्थान में मरुस्थल एरिया है वो कम हो रहा है। एट क्वेश्चन, मरुस्थल कम किन किन चीजों से हुआ है, सबसे ज्यादा प्रभाव किन चीजों का पड़ा है? तो इसका उत्तर होगा मरुस्थल के कम होने में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा हवा से 43.37%, वनस्पति से 7.64%, पानी से 6.21%, खारा पानी से 1.7% और चट्टानी बजर एरिया से 3.7% तक मरुस्थल कम हुआ है। या अगर दोबारा सुनिएगा, हवा से 43.37, वनस्पति से 7.64, पानी से 6.21%, खारापन से 1.7% और चट्टानी बजर एरिया से 3.7% तक मरुस्थल कम हुआ है, और एक दशक में 2.88 लाख हेक्टेयर कम हुआ है, जो पहले आपको सभी छोटे बता चुका हूं। और वायु में उड़ना इसका प्रमुख कारण है, जिससे कि
354,659 हेक्टेयर मरुस्थल कम हुआ है सिर्फ हवा में मिट्टी के उड़ने से, वायु में जो मिट्टी के उड़ने से 354,659 हेक्टेयर तक मरुस्थल कम हुआ है, जिसे सिंचित भूमि जो बढ़ी है वो बढ़ी है 17.57%। सिंचित भूमि बढ़ी है जहां पर सिंचाई की जा सकती है। दूसरा, हर एक क्षेत्र के अंदर 2010 में 13.54% जो कि 2020 में 21.11% हो गया है। डिफरेंस देखिएगा आप कि जो हरा क्षेत्र है वो 2010 में 13.54% था जो कि अब बढ़कर 2020 में 21.11% हो गया है। मीन्स टीले और टीबों की जो जो स्ट्रेंथ है वो कम हुई, 17% तक टीले और टीबे कम हुए हैं। एट क्वेश्चन, लैंडसैट 8 उपग्रह छवियों की रिमोट सेंसिंग आधारित व्याख्या से संकेत मिले हैं कि जोधपुर में रबी फसल का रकबा 2020 में कितने प्रतिशत होगा, तो इसका उत्तर होगा 21.6%, 26% बढ़ा है। दोबारा सुनिएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि जोधपुर में रबी फसल का रकबा 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ा है और इसका आकलन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उत्तर होगा 2020 में 21.26% बढ़ा है और इसका आकलन लैंडसैट 8 उपग्रह छवियों की रिमोट सेंसिंग आधारित व्याख्या से ये संकेत मिले हैं। 11th क्वेश्चन, जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड ऐसे कारोबारी जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ या इससे अधिक है, उन सभी को 1 अक्टूबर 2022 से B2B मींस B2B की फुल फॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस लेन देन के लिए ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। ये कंपल्सरी हो जाएगा, कब से होगा, 1 अक्टूबर 2022 से जो भी इनकी भी इनकम टर्नओवर जिनका 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर है, उनको बिजनेस टू बिजनेस लेन देन के लिए ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। इससे पहले क्या था, जिनके इनकम 2 करोड़ या उससे अधिक थी ना, उनके लिए ये जो बिजनेस टू बिजनेस लेन देन के लिए इनवॉइस अनिवार्य थी, लेकिन अब ये 1 करोड़ रुपए के ऊपर लागू कर दी गई है। 12th क्वेश्चन, भूमि जल दोहन का की 31 योजनाएं अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूर की है और इसके लिए केंद्र सरकार ने कितना बजट दिया है, तो इसका उत्तर होगा 1,038 करोड़ रुपए का बजट घोषित राजस्थान सरकार को दिया है, मीन्स घोषित किया है। दोबारा सुनिएगा, भूमि जल दोहन की 31 योजनाएं अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूर करी है और इसके लिए 1,038 करोड़ रुपए का बजट दिया है। 70% रेगिस्तानी इलाके वाले प्रदेश को जमीन से भूजल दोहन की 31 योजनाओं को लागू यानी मंजूरी दी गई है, 70% रेगिस्तानी इलाके वाले। राजस्थान की सबसे पहली 6.7 किलोमीटर लंबी और 507 मीटर ऊंची टनल जिसका निर्माण जवाई नदी और सही बांध को जोड़ने के लिए किया जा रहा है और यह पानी 42 किलोमीटर का सफर कर जवाई बांध में एकत्रित होता है, मतलब प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची टनल बनाई जा रही है जिसकी 6.7 किलोमीटर तो लंबाई है और 507 मीटर ऊंची है, यानी प्रदेश की पहली टनल है ये जो कि जवाई नदी और सही बांध को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1978 में उदयपुर में कोटला तहसील में 1106 MCFT क्षमता का सही बांध का निर्माण किया गया था, कब किया गया था सही बांध का निर्माण, 1978 में उदयपुर के कोटला तहसील में 6.7 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर, ये जो कह रहे थे 6.7 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर जवाई नदी से इसको जोड़ा गया था, इस सुरंग को जिसमें 392 क्यू से पानी की आवक हुई थी जिसे 42 किलोमीटर जाकर आगे जाकर जवाई नदी में मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1997 में सही से 5 किलोमीटर दूर पूरक बांध कालीबोर का निर्माण किया गया था, दोबारा सुनिएगा कि कालीबोर बांध का निर्माण कहां पर किया गया था और कब किया गया था, तो उसका उत्तर होगा सही से 5 किलोमीटर दूर 1997 में पूरक बांध कालीबोर का निर्माण किया गया था जिससे 256 MCFT अतिरिक्त पानी की आवक सही बांध में होने लगी थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी ने देश की पहली टेक्सटाइल मिल तकनीक तत्कालीन पहली टेक्सटाइल मिल जो कि तत्कालीन मुंबई के ताईदेवे में 7 जुलाई 1854 को स्थापित की थी। दोबारा सुनिएगा कि देश की पहली टेक्सटाइल मिल कब स्थापित की गई और कहाँ की गई, तो इसका उत्तर होगा बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के द्वारा 7 जुलाई 1854 में तत्कालीन बम्बई के ताईदेव में स्थापित की गई थी, जिसके संस्थापक है जिन्हों पासी ट्रेडर काफजी नानाभाई दावर इसके संस्थापक थे। दोबारा सुनिएगा कि पारसी ट्रेडर काफजी नानाभाई दावर इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 बंग भंग क्या है, तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रवादी आंदोलनों में तेजी के कारण अंग्रेजों ने तत्कालीन भारत के सबसे बड़े प्रांत बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग के आदेश दिए, मीन्स बंगाल को भंग मतलब अलग करने के आदेश दिए, जिसके अंदर इससे पहले 1765 में बंगाल बिहार और उड़ीसा एक ही थे। अंग्रेजों ने कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट किया, कब किया, तो इसका उत्तर होगा 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर 1911 में कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट किया, जिसमें बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बनाए गए और बिहार को कमिश्नरेट असम को कमिश्नरेट घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अपील पर लोगों ने बंग भंग का विरोध किया और इसके विरोध में क्या किया था, एक दूसरे को राखी बांधी थी और राखी बांधकर प्रभात फेरियां निकाली गई और वंदे मातरम के नारे लगाए गए, किसके अध्यक्षता में, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अपील पर या उनकी अध्यक्षता में। 500 रन व 50 विकेट पूरा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम, तो इसका उत्तर होगा हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 में भारत ने पहली बार किस इंटरनेशनल टूर्नामेंट की मेजबानी की, तो इसका उत्तर होगा पहले एशियन गेम्स जो कि दिल्ली में हुए थे, उनमें 51 मेडल भारत ने जीते थे, मतलब भारत ने पहली बार किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की मेजबानी कब की गई थी, तो इसका उत्तर है 1951 में। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से देश की टीम को हराया है, तो इसका उत्तर होगा सिंगापुर को 3-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 4 महिला खिलाड़ी के इवेंट में महिला लोन बोर्ड्स टीम जिसमें की लवली चौबे, पिंकी नयनमणि, साइकिया रूप रानी तिर्की, जिसमें खिलाड़ी थे, 4 खिलाड़ी थे, लवली चौबे, पिंकी नयनमणि, साइकिया रूपरानी तिर्की की भारतीय टीम ने पहली बार हिस्सा लिया और पहली बार में गोल्ड जीता। भारत की किसी 4 महिला टीम के किसी इवेंट में पहली बार पार्टिसिपेट किया था और पहली बार में गोल्ड जीता है, उस इवेंट का नाम, तो इवेंट का नाम होगा लोन बोल्स टीम, महिला लोन बोल्स टीम। यह आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।